कहने में तो आसान लगता है कि अगर एक बार हार गए तो दोबारा उठो और फिर से दौड़ लगाओ, दोबारा हार गए तो तीसरी बार फिर खड़े हो और ऐसे अनंत बार कोशिश करते रहो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। कहने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बार बार हार होती रहे तो आखिरकार एक इंसान कितनी कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसका मनोबल तो टूटेगा ही। लेकिन क्या कोई ऐसा फॉर्मूला भी है जो निरंतर चलते रहने के लिए हमें हिम्मत देता है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। कहानी के अंत में आप देखेंगे कि कहां से एक इंसान को निरंतर प्रयास करते रहने के लिए हिम्मत मिलती है। जिस तरह मैं भगवान बुद्ध की कहानियों से आप सबको मोटिवेट करता हूँ, वैसे ही आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। लेने और देने का ये सिलसिला चलता रहे, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो वो उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए भेज देते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 सालों से था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए हैं, मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा, क्या मुझे अभी तक बुद्ध तो प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्ध तो प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है मुझे वो सब याद है, आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ, आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लेकर आओ, जब तक आप किसी चीज को अपने आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपा कर मुझे एक मौका तो दें, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ, मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? आखिरकार बुद्ध ने हार कर कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ चले जाओ, वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताओ, कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वो शिष्य ये सुनकर बहुत खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां के लिए चल दिया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल वहां पर ऐसी ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वो पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्ध, वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, ने जरा भी बुद्धि नहीं है, मैं उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे, एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा इसे उठा लो, मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी जिससे मुझे ये चोट लग गई, हे बुद्ध,
आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहां के लोगों में बुद्धि हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिल गए तब तुम क्या करोगे। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा। बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी ही हैं, उनके पास बहुत बुद्धि है और उनके पास खुद का अपना ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे। बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वो वापस बुद्ध के पास आया तब वहां एक और बुद्ध के शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। शिष्य ने कहा, बुद्ध, आपने पूरु के गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं पर मुझे ये चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ था। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी लेकिन उसने भी जमीन पर फेंक कर कहा कि इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब आदमी हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से उसके लिए कुछ जड़ी बूटी ले आया लेकिन वहाँ के लोग मुझे उसे जड़ी बूटी नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वो मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे, उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी, उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे उनके किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद दिया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले और सीधे साधे हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ। ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के आचरण में लाई हुई चीज को समझाना और बताना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें निरंतर प्रयास करने का कौन सा मंत्र है। तो यहीं पर हमारी समझ काम आती है। इस कहानी में दो पात्र थे, दोनों पात्र वहां से चोट खाकर आए। एक पात्र उनको गालियां निकालने लगा लेकिन दूसरा पात्र फिर से वहीं जाने के लिए कहने लगा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है या फिर हमारा प्रयास विफल हो जाता है तो या तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं या उस काम को कभी करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरह का पात्र उसी काम को करने का नजरिया बदल देता है। वो उसी नाकामयाबी में कुछ ना कुछ मोटिवेशन ढूंढ लेता है। जैसे एक नवजात बच्चा होता है, उसे शुरुआत में चलना नहीं आता है, वो बार बार चलता है फिर गिर जाता है, वो फिर उठता है फिर चलता है। उसके लिए वो गिरने का और चलने का एक खेल बन जाता है, उसके लिए वो मनोरंजन बन जाता है।
उसको वो कोशिश नहीं लगती, उसको वो खेल लगने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चीज करने को होती ही नहीं है। और हमारे पास करने को बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए हम जब एक चीज में असफल होते हैं तो हम दूसरी चीज की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अगर हम 100 जगह मिट्टी खोदने की बजाय एक ही जगह पर मिट्टी खोदते रहें तो एक दिन वो कुआं बन जाएगा और उसमें से पानी भी निकल आएगा। इस बात को अपनी गांठ बांध लो कि हर नाकामयाबी आपके लिए एक नया मनोरंजन लेकर आए, और अगली बार उसी काम को करने के लिए आप एक नया नजरिया लेकर आए। एक नए नजरिए से उस काम को देखने की कोशिश करें और फिर देखें कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ साझा जरूर करें। और ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।